नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दो मंजिला का घर बनाते समय घर की कॉलम और फाउंडेशन में आपको कितनी मोटी स्टील यानी कि सरिया लगानी चाहिए, इस वीडियो में हम आपसे स्टील बार यानी कि सरिये से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो दो मंजिला घर का कॉलम बनाते समय आपको कॉलम में कुछ इस तरीके से चार स्टील बार का उपयोग करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में 1, 2, 3, 4 चार स्टील बार का उपयोग किया गया है, तो इसी तरीके से आपको चार स्टील बार लगानी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि इस स्टील बार का साइज़ क्या होना चाहिए। तो भाई, इस स्टील बार का जो साइज़ है वो 12 mm यानी कि 12 mm होना चाहिए। और यदि आप सूत में समझते हैं तो चार सूता की सरिये का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि चार सूता मतलब 12 mm होते हैं। तो चार सूता की चार सरिया आपको दो मंजिला घर का कॉलम बनाते समय इसी तरीके से कॉलम बनाकर लगाना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करें तो कॉलम में कुछ इस तरीके से रिंग लगती है। तो कॉलम को मजबूत बनाने के लिए इस रिंग को बनाते समय भी बहुत सारी स्पेशल बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे इस रिंग को बनाते समय कभी भी प्लेन स्टील का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये प्लेन स्टील है, तो इस तरीके की स्टील का उपयोग आप घर बनाते समय मत करिए। बल्कि इस तरीके की आप देख सकते हैं कि जिस स्टील में कुछ इस तरीके से दांतियाँ बनी होती हैं यानी कि पट्टियाँ होती हैं, रिब होती हैं, इस तरीके की स्टील से आप रिंग बनाइएगा। क्योंकि प्लेन स्टील की जो पकड़ होती है कंक्रीट के साथ वो कमज़ोर होती है। ऐसे में यदि आप प्लेन स्टील कॉलम बनाते समय इस तरीके से लगाएंगे तो आपका जो कॉलम है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो कॉलम को आपको मजबूत बनाना है, तो मजबूत बनाने के लिए भाई साहब इसी तरीके से रिब यानी कि पट्टियों वाली स्टील का उपयोग करिएगा। पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रिंग के कॉर्नर पर ये जो हुक होता है इसको आप अंदर की तरफ मोड़ देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर की तरफ मोड़ा हुआ है, इसी तरीके से आप अंदर की तरफ मोड़ देंगे। यदि नहीं मोड़ेंगे तो ये भूकंप के समय बहुत ही गंदा बिहेव करता है और खुल जाता है, जिससे आपका कॉलम कोलैप्स हो जाता है यानी कि ढह जाता है। तो ये मोड़ना अंदर की तरफ बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मुड़ा हुआ है, इसी तरीके से आप भी मोड़ देंगे। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि कॉलम में बिल्कुल नीचे कुछ इस तरीके से कॉलम की चारों स्टील को मोड़ा जाता है। आप देख लीजिए, कॉलम की चारों स्टील को कुछ इस तरीके से मोड़ा जाता है। तो इस मोड़ की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे कॉलम फाउंडेशन पर अच्छे से टिके यानी कि उसका बैलेंस बना रहे। तो अच्छे बैलेंस के लिए कॉलम के ये वाली स्टील को 30 सेंटीमीटर एल शेप में मोड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस रिंग को लगाते समय एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 इंच रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये ऊपर का जो सरिया है ये अल्टरनेट होना चाहिए, जैसे एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप ऊपर का कॉलम बनाने के लिए इसमें दूसरी सरिया कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे तो सभी जोड़ एक ही पॉइंट पर नहीं होंगे। नहीं तो भूकंप के समय यदि सभी जोड़ एक पॉइंट होते हैं तो कॉलम का जो सरिया है एक ही जगह से टूटता है, और जब एक जगह एक पॉइंट पर टूट जाता है तो चारों सरिया अलग हो जाते हैं। इसीलिए आपकी जो स्टील है वो ऊपर नीचे यानी कि अल्टरनेट होनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि 2 फ्लोर का फाउंडेशन बनाते समय हमें फाउंडेशन का स्टील किस तरीके से बांधना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन का जाल कुछ इस तरीके से बांधा जाता है। आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन का जो जाल होता है इस तरीके से बांधा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक्चुअल में साइड पर बांधा जा रहा है, और इसको बांधते समय हमेशा 10 mm यानी कि 10 mm की स्टील का उपयोग किया जाता है। 10 mm का मतलब 3 सूता सरिया बांधा जाता है। और स्टील को बांधते समय एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टील से दूसरे स्टील की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और जाल का जो साइज़ है वो 90 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जाल का जो साइज़ है वो 90 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर रखा गया है। तो इसी तरीके से आपको भी 90 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं।